वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ और आज चलते फिरते हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी मजे की है। खान साहब ने कल से टिकट्स देने का ऐलान किया है और आज से जो है इंटरव्यूज शुरू कर दिए गए हैं। पहले 50 नंबरों के आज इंटरव्यूज होंगे और यहाँ पर मौजूद आवाम से आज हम ये जानेंगे कि वो किस एरिया से ताल्लुक रखते हैं और उस एरिया में आवाम की नुमाइंदगी वो किसको चाहते हैं कि वो करे। खान साहब को सजेस्ट करें अपने एरिया से कि इस फला बंदे को उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है टिकट जो है जरूर दें, क्योंकि बंद कमरों में फैसले नहीं होने। खान साहब ने खुद कहा है फैसले जो है आवाम की मर्जी से होंगे, तो आवाम की राय जो है और मशवरे जो हैं जो कि अमानत होती है, बिल्कुल सही मशवरा देना चाहिए, वो खान साहब तक पहुँचाएंगे। और कुछ कैंडिडेट से भी बात करेंगे कि जो कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए तो वो किन बुनियादों पर दिया जाए, और उनसे जानेंगे कि उनके इलाके में टमाटर आलू प्याज और आटे का रेट क्या है, क्या उनको रेट पता है, और क्या ऐसा शख्स जिसको अगर रेट नहीं पता तो वो आवाम के लिए महंगाई कम कर सकता है या दूसरी फैसिलिटीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी? फारूक गुजर मेरा नाम है जी। कहाँ से आए? मैं जिला जंग से आया। जंग से आए हैं, पहले तो बता दें एहतजाज किस चीज़ का रिकॉर्ड करवा रहे हैं? खान साहब से एहतजाज? खान साहब से एहतजाज नहीं हो सकता किसी सूरत में, ना कोई धरना हो सकता है। ये जो एहतजाज है ये मोहब्बत और अकीदत से भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब के दीदार के लिए है, क्योंकि दीदार के अंदर जो रुकावटें आ गई हैं हमारे लिए वो बड़ी तकलीफ़ दे रही हैं हमें। वो रुकावटें ये हैं कि जब डंडे खाने की बारी आती है, जब शैलिंग की बारी आती है, जब तशद्दुद की बारी आती है, जब घरों से उठा लिए जाते हैं, जब घर में चार दीवारी को पमाल किया जाता है तो वर्कर सबसे आगे होता है। यहाँ पर वर्कर्स ड्यूटी दे रहे हैं, कोई लालच नहीं वर्कर को है, कोई ऐसी कोई किसी की ख्वाहिश नहीं है किसी को पैसा मिल जाए, किसी को कोई ओहदा मिल जाए, किसी को कोई टिकट मिल जाए। यहाँ पर टिकट के लालची आ रहे हैं और अपने पैसे की नशोनुमा दिखा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास तबका है मुल्क पाकिस्तान का जिसकी तादाद 65% में है उसको इग्नोर किया जा रहा है। उसकी मुलाकात अगर करने जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप अपने MNA MPA को लेकर आएँ। बहन मुझे ये बताएं, आप मेहनत कर रही हैं चैनल के लिए, आप मेहनत करती हैं, आपको पे भी मिलती है, आपको कुछ और भी मिलता होगा, कमीशन होगी, कोई ऊपर प्राइज लगते होंगे, और अगर आपको महीने बाद ये पता चले कि मैंने इतनी मेहनत की, एक माह की बात कर रहा हूँ, 16 साल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई 22 साल वाला बैठा है, कोई 10 साल वाला बैठा है, कोई 12 साल वाला बैठा है, कोई 16 साल में, मैं एक माह की बात कर रहा हूँ। जो एक इंसान एक माह के लिए मेहनत करता है उसको उसका फल नहीं मिलता, उसको कितनी तकलीफ होती है। हमारा फल क्या है? हमारा फल है मुर्शद का दीदार, और हमारे दीदार में अगर तुम रुकावटें डालोगे, अगर वडेरे को खड़ा करोगे, अगर पैसे वाले को खड़ा करोगे, जागीरदार को खड़ा करोगे, सरमायाकार को खड़ा करोगे, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हमें मार दो, हमें जमीन दोज कर दो, हमारा हक नहीं है। जब जब किसी वर्कर ने अपनी जमात में ये आवाज उठाई है उस पर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये हमारी जमात का नहीं है। तो भाई अगर कोई आईन है, अगर कोई कानून है कि मुझे PTI से बाहर कर सकते हो, इस मिडिल क्लास तबके को बाहर कर सकते हो, इनका हक नहीं है खान से मिलने का, तो हमें निकाल दो। हमें मुर्शद कह दे कि तुम्हारा PTI से कोई तल्लक नहीं है, तुम गद्दार हो, तुम PTI के लिए नहीं आए, तुम अपनी जात के लिए आए हो, तुम अपने मफादात के लिए आए हो, तो हम चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए? मैं बहावलपुर से। नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब बताया कि खान साहब किसको टिकट दे आपके इलाके? हमारे इलाके में मलिक अहमद यार वारन साहब को दें इंशाल्लाह। क्यों दें? वो इसलिए दें उनके दादा अबू 3 दफा MPA बने, आवाम उन्हें चाह रही। वो उनके दादा अबू 3 बार MPA बने हैं, तो इस तरह तो वजीर आजम बन चुके 3 बार नून लीग के अबाउ अजदाद, तो फिर तो मरियम नवाज को भी वजीर आजम बना दे। उनको नहीं होना चाहिए, वो यंग बच्चा है, अभी नौजवान है, इसलिए नौजवान। मरियम नवाज भी तो यंग है। इतनी यंग भी नहीं है मैम वो। लेकिन सर क्वालिटी कोई और होनी चाहिए ना, आवाम की खिदमत। आवामी वर्कर है, लोगों में घुल मिल जाते हैं, शादी खुशी गमी हर तरह उन्हें सपोर्ट करते हैं हर जगह। अगर आप जाकर उनसे मिलना चाहे तो मुलाकात हो, मिल सकते हैं, एवरी टाइम मिल सकते हैं। क्या किया लास्ट टाइम इलेक्ट हुए? लास्ट टाइम उनके वालिद साहब MNA थे। तो क्या क्या किया इलाके में? इलाके के लिए बहुत से काम किए हैं। क्या किए? 3 बता दो। तकरीबन 120 किलोमीटर में स्वी गैस लगवाई है, 1500-2000 बस्तियों में बिजली लगवाई, बाकी रोड वगैरह इलावा जी बिल्कुल काम किए। खान साहब को कह दे इंशाल्लाह, खान साहब हमारे मलिक अहमद यार साहब को टिकट दें, इंशाल्लाह आपको गिफ्ट करेंगे ये सीट इंशाल्लाह। अमानत होता है मशवरा, आपने अमानत की इंशाल्लाह अमानत की तरह आज दे रहे हैं।
मानव की तरह दे रहे हैं जी, आप जरूर नोटिस करें इनके मशवरे को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम शाहिद है, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं खान साहब का नजरियाती कारकुन हूँ। जब यहाँ पे जेल जाने का टाइम था तो हम जिले शाह के साथ गाड़ी में थे, हमने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, जेल भी गए, बेल भी करवाई, फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर जेल गए, फिर शैल खाए, फिर मार खाई और पकड़े गए जी मैम। अब उसके बाद एक भी दफा ना हमें खान साहब से नहीं मिलाया गया। डेली शेखपुरा से आता हूँ। जो लोग गए थे जेल उनसे तो खान साहब की मुलाकात, वो सिर्फ वो जिनके रेफरेंस थे, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिलाया। रेफरेंस किससे बनाना पड़ता है तो मुलाकात? रेफरेंस कुछ मेन वडेरा सिस्टम है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किससे बनाना पड़ता है? अंदर अगर मदरसा साहब है या अहमद साहब है तो काइंडली वो अगर उनके साथ किसी की अटैचमेंट है उनसे मिलता है तो वो अगर वो चाहे तो वो करवा देते हैं मुलाकात, वरना अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा किसी को। जो वर्कर है, मैं कहता हूँ मेरे पास एविडेंस है, मैंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, जेल भी गया। पुलिस खान साहब से मोहब्बत है आपको, इसी बुनियाद के ऊपर जो है मुलाकात हो जानी चाहिए। सर कहिएगा कि खान साहब शेखपुरा में किसको टिकट? मैं शेखपुरा में एक ही उम्मीदवार को बेस्ट समझता हूँ, वो पीपी 142 में खान शेर अकबर खान है। वो भी खान है और वो भी दरवेश इंसान है, जैसे खान साहब है ना उस तरह का दरवेश इंसान है, यंग है, उसके अंदर एनर्जी है, वो लोगों के मसाइल सुनता है, लोगों की बातें सुनता है। उसमें वो लास्ट टाइम उसके साथ वैसे ज्यादती हुई है, उसने पीपी 142 का टिकट विन किया और उसको कोई भी बड़े सरकारी अहदे पे उसको नामजद नहीं किया गया, क्योंकि उसने एनए का टिकट छोड़कर वो पीपी 142 में आया। खान साहब के नज़रिए काम क्या क्या किया आवाम के? आवाम के लिए बहुत सारे काम किए, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया, लड़कों के लिए क्या नाम है कॉलेज का? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जबरा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जनरल शेर खां, उसको वारिशाह यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। लेकिन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया, लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात और हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। लेकिन जो है ना एक उसमें जिले शेखपुरा में सिर्फ एक ही मुझे मजबूत कैंडिडेट नज़र आता है, वरना अदरवाइज तो कोई भी नहीं है जो जो वहाँ के वहाँ के मसाइल जो उनके हल निकाल सके। तो ये बेस्ट है ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जब खान साहब से उनकी टिकट का मामला आएगा तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इंशाल्लाह वो उन्हीं को टिकट मिलेगा, टिकट दे क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफी काम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तारिक खान नाम है मेरा। तारिक खान साहब जरा दिखाएं वीडियो आवाम को भी कि आपने काफी शेलिंग जो है बर्दाश्त की और खून वून भी निकल गया। बिल्कुल एक मिनट में। तो नाज़रीन यहाँ पर हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि शेलिंग हुई और इनको काफी ज्यादा जो है इंजरीज भी हुई है। बिल्कुल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और हम मुलाकात भी हुई कि बस क्लिप चलते रहे? नहीं, मुलाकात अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो हमें कोई गिला नहीं है। हम इस तरह ही खान साहब के सिपाही है, वो जनाब हम बस पूरे आलम इस्लाम का लीडर है, आज सच्चा मुसलमान है और सच्चा लीडर है हमारा। तो हमें दुख शौक तो हर बंदे का है कि जो हमारी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हमने ये मुलाकात के लिए नहीं किया। हम जनाब सिर्फ ये कि अल्लाह के रजा के लिए, और खान जो ना बस सिर्फ उसका दामन साफ है, सच्चा लीडर है, हम उस पे जान भी हमारा लॉस मोहब्बत है जी। आए कहाँ से? गए कि बिके मरदान से। किसको दे टिकट खान साहब? खान साहब टिकट जब देंगे वो मैं कहता हूँ कुर्सी को भी देंगे, तो इंशाल्लाह। आपने बताना है कि बेहतर उम्मीदवार कौन सा है जो आवाम के लिए काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खान साहब तो नहीं रहते, आप रहते हैं, आपको पता है कौन कितना? हमारे इलाके में जो ना एक MPA मैंने तो है जो ना हमारा आतिफ खान, वो ठीक है, मतलब गमी खुशी में MPA के लिए किसको? MPA में जो ना हमारा है जो ना एक अमीर फरजन खान नाम है, गढ़ी का पूरा हमारे इलाके का, लेकिन वो जो ना न किसी जगह मैंने कभी इधर में भी मैंने नहीं देखा, न वो जो ना उधर की कोई उसका जो ना टिकट लेने आ जाते, टिकट लेने आते जो ना, बस उनका सिर्फ ये होता है कि जो ना वो खान ने अगर मैं टिकट दिए तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ खान साहब इस दफा जो ना सोच समझ के टिकट आएंगे। किसको टिकट दें? आपने बंदा बता रहे जी? बंदा तो उधर हमारे जो ना और कैंडिडेट है जो ना एक यंग कैंडिडेट है जो ना दो तीन है, उनमें से खान साहब ने जो आपको लगता है ना बेहतर है आवाम के लिए आपने सजेस्ट कर? नहीं खैर मैं ये नाम किसी का नहीं लेता, क्योंकि वो जो ना तीनों जो ना मतलब अच्छे नाराज हो जाएंगे कि मेरा नाम लिया उसका नहीं लिया। नहीं खैर वो नाराज़ है कि जो ना तीनों अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने मशवरा देना है ना, बंद कमरों में फैसले नहीं होने, तो आपने जो बेहतर काम करने वाला बंदा उसका नाम बता दो। ये मशवरा मेरा बेहतर काम करिए कि ये जो पिछले MPA था जो ना अमीर फरजन खान, इसको टिकट नहीं देना है, बकाया जिसको खान ने दिया हम उसी को सपोर्ट करें। मैंने ये कहा कि कुर्सी को भी देंगे हम उसी को भी सपोर्ट करेंगे, और जो बेजान चीज़ है हम उसको इंशाल्लाह जो ना वोट देंगे और जितवाएंगे इंशाल्लाह।
खंबे को टिकट दे दे खान साहब, खंबा जीत जाना है आपके टिकट से, और जो पहले वाला एमपी था बस उसको नहीं दे रही, बाकी जिसको मर्जी आप टिकट दे। मजीद भी लोगों से जान लेते कि किस एरिया में किस किस को जो है टिकट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, अरसलान नाम है मेरा। अरसलान साहब कहाँ से है? मैं इछरे लाहौर से हूँ। मैं इछरा में कौन सा बनता है? पीपी पीपी 148 है मियाँ महमूद रशीद साहब का हल्का, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मियाँ अमजद इकबाल जो मियाँ सुनाता कौन है? आपने आंखों देखे हाल? नहीं आंख सुनाता नहीं पता, जो 90% चांस है ना उनकी जगह टिकट देंगे मियाँ अमजद इकबाल को। बताना है कि आपके ख्याल में किसको टिकट दी जानी चाहिए जो कि इलाके में काम करेगा, आवाम का भी कोई फलाह? मेरे ख्याल में मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़े दिन पहले हमारे उधर यूसीफ 86 के चेयरमैन मियाँ मतलब मकसूद साहब की डेथ हुई थी, तो मियाँ महमूद रशीद साहब नहीं आए उनके जनाजे पे, उनको ना कभी इधर किसी प्रोटेस्ट में देखा है मैंने। मियाँ अमजद इकबाल, मियाँ असलम इकबाल, ये कोई भी खुशी गमी हो तो रशीद साहब की तो फैमिली भी आती है जी, उनकी बेटियाँ भी आती हैं जब भी कोई एहतजाज होता है गवर्नर हाउस के बाहर। मैं गवाह हूँ? नहीं आप गवाह हैं, लेकिन मैंने नहीं महमूद रशीद साहब को मैंने नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा मैंने। मियाँ अमजद इकबाल, मियाँ असलम इकबाल के जो भाई हैं वो हर जगह पर मौजूद होते हैं, वो यूथ के एक लीडर बन रहे हैं। मैं भी एक यूथ का लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मियाँ अमजद इकबाल को टिकट मिले। काम कोई किया इलाके में? कोई नहीं। मियाँ महमूद रशीद ने सड़कों के अलावा कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ सड़कें बनवाई हैं या वो सीवरेज के जो पाइप वगैरह वो डलवाए। सबसे बड़ा मसला है क्या उस इलाके का? सबसे बड़ा एक मसला है वहाँ पे, एक जो मेन रोड है ना जो बाजार की तरफ जाता है, तकरीबन 2 महीने हो गया वो रोड तोड़ा हुआ है, अभी तक उधर कोई आया नहीं है। वो रोड वैसे का वैसी है और वहाँ पे गली गलियों में गटर का पानी है, वो कोई किसी को नहीं पता। मतलब मियाँ महमूद रशीद साहब को देखा ही नहीं अभी तक। अभी 2 माह पैसे तो उनकी हुकूमत ही नहीं है, एक साल से मतलब 3 माह तो होने वाले उनकी 3.5 साल हुकूमत रही है, सिर्फ एक बार देखा है वो भी पीरगाजी रोड पे छोटी सी कन्वेंशन की थी उधर के यूसी 88 के चेयरमैन ने दसर कंबोज साहब ने, तब वो आए थे, उसके अलावा एक बार भी नहीं मैंने। जो आप नामजद कर रहे हैं आपके ख्याल में वो क्या क्या काम कर देंगे इलाके में अगर उनको टिकट? वो स्पोर्ट्स को बेहतर करेंगे, रोड वगैरह, हॉस्पिटल, पहले भी समनाबाद में, और समनाबाद में एक अंडरपास बन रहा है जो गुलशन राबी की तरफ जाएगा, वो भी अभी बन रहा है वहाँ पे, वो बेहतरी की तरफ हमें गामजन कह रहे हैं। हमाद अदर साहब बनवा, मियाँ असलम इकबाल साहब बनवा रहे हैं वो। खान साहब को बता दें किसको? खान साहब मियाँ अमजद इकबाल साहब को टिकट दिएगा काइंडली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा नाम सैफुल्ला खान। खान साहब कहाँ से आए? मैं मियांवाली से आया हूँ। खान साहब के इलाके से हैं आप, तो किसको टिकट दिया था पिछली बार? हाजी अमीनुल्लाह खान साहब को दिया था, पीपी 86 से है वो, तो सबसे बेहतर वही है भाजी, उन्होंने बहुत काम कराए हैं, और अभी भी इधर भी खान साहब के साथ यानी कि पूरे इधर जमान पार्क में वो रहे हैं जितना अरसा जो हो गया। क्या काम कराए? बहुत सड़कों भी काम करवाए, हेल्थ के काम भी करवाए, यानी कि अभी ना मैं उस हल्के का हूँ, मुझे उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार और नजर नहीं आता। बात है अच्छा सर, अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहें आप उनके डेरे पे जाएं तो मुलाकात होती है? बिल्कुल जी, मैं पाई खैल का हूँ, वो दाऊद खैल के हैं, तो कोई भी बंदा जाकर ना उनसे मिल सकता है, वो लोगों में घुले मिले हुए हैं, कोई नया बंदा ना वो जो आएगा ना तो वो नए सिस्टम से यानी कि काम को शुरू करेगा, वहाँ पर लोग उससे सब खुश हैं और उसको जानते हैं, और वो लोगों का यानी कि फौतियों पर भी जाते हैं और वैसे भी घुले मिले रहते हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब आपके घर से कितना दूर है? वो जी तकरीबन 24-25 किलोमीटर है, लेकिन करीब ही हम आते जाते रहते हैं। मुलाकात हुई कभी? 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है, वैसे रोड उनका वही है, हमारा जो इलाके से ना वो गुजर कर जाते हैं मियाँ वाली की तरह। उनकी एक अच्छी आदत आप आवाम को बताएं? अताउल्लाह खान साहब की उनकी सारी आदतें अच्छी हैं माशाल्लाह, वो बहुत खुश इखलास मिलनसार आदमी है, ये नहीं है कि उनमें यानी कि कोई बड़ा पान या कोई नखरे वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। खान साहब को सजेस्ट कर दे किसको टिकट? मैं तो खान साहब को यही कहूंगा कि ऊपर वाली सीट पर तो खान साहब वहां से खुद ही होते हैं, तो अभी जो इलेक्शन होने हैं ना पंजाब असेंबली के, तो हाजी अमीनुल्लाह खान जो पहले कैंडिडेट थे अभी उन्हीं को देना चाहिए खान सर। इसके अलावा आप खान साहब को पैगाम देंगे, जो भी बात आप खान साहब को कहना चाहते हैं कैमरा की तरफ देंगे? इमरान खान साहब आप इंशाल्लाह पहले भी डटे खड़े थे, अभी भी डटे हुए हैं और डटे रहे, हम सारी आवाम पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आप घबराने वाले नहीं है और हम भी इंशाल्लाह घबराने वाले नहीं है, हम आपके साथ आखिरी दम तक इंशाल्लाह है। आखिरी दम तक आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, तारिक अली। कहाँ से आए? मैं जड़ावाला से। जड़ावाला से आए हैं, किसको टिकट दिया था? वहाँ पर जड़ावाला में हमारे जो इलाके का है इस टाइम जो बंदा है ना जो खान साहब के साथ काफी दिनों से चल रहा है, वो उसने पीटीआई को हमारे इलाके में जड़ावाला में जो नाम क्या है सर उनका नाम मैं बताता हूँ ना, उसका नाम है खान अब्दुल वहीद खान न्याजी।
वो बहुत मिलनसार इंसान है और बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने एक मजीद खान मेडिकल सेंटर भी बनाया हुआ हमारे इलाके में, जो फ्री दवाइयों को गरीब लोगों के लिए। और क्या काम किया आप? नहीं, वो अभी हल्के से मुंतखब नहीं हुआ, वैसे वो उसने वैसे वो फलाई काम करते रहते हैं। सर पहले कौन था हल्के में पीटीआई? हाँ, चौधरी जहीरुद्दीन साहब हैं वहाँ पर, वो उसने काम किए हैं, पर उसने टिकट से थे। हाँ, पीटीआई की टिकट से थे। तो एक वो हमारे इलाके का लोटा हुआ है मलक नवाब शेर वसीर साहब, जो पहले पीपल पार्टी में था, फिर पीटीआई में आवाज़ चली तो उसने पीटीआई में इस जगह बना ली। अब उसको पता है अभी पीटीआई में मुझे कोई रखेगा नहीं, पीपल पार्टी में वो जा नहीं सकता, तो अब वो आगे नून लीग की तरफ निकल गया है। एक ही बात है, पीटीआई में सब मिले जुले हुए? हाँ, सब मिले हुए, इस टाइम तो सारे ही मिले हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा था कि ये मिल जाएंगे आपस में, सारों का इंटरेस्ट जो है कि है चोरी करने का, तो इसलिए ये मिल भी गए आपस में। तो उस टाइम एक साहबी ने कहा था कि नहीं नहीं खान साहब ये मिल नहीं सकते, तो अब वो मिल गए हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि आसिफ अली जरदारी कितना बड़ा, ये शहबाज शरीफ खुद कहता था ना कि उसको मैं लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, पता नहीं कौन कौन सी सड़कों पे गए। साहब भी तो कहते थे परवेज इलाही साहब सबसे बड़े डाकू हैं पंजाब के, वो भी तो मिल गए पीटीआई। हाउ डू यू जस्टिफाई? वो उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारियाँ नहीं की, चलो कुछ हुआ है, इंसान आकर गलतियाँ करता है। बहरहाल जिस तरह के ये गद्दार हैं ना, जो नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ या पीपल पार्टी, जिस तरह के नुकसान इन्होंने मुल्क को दिए हैं, इस तरह के मैं नहीं सोचता किसी ने और ने दिए हैं। छोटी मोटी गलतियाँ माफ कर? नहीं, छोटी मोटी गलतियां, चलो आखिर कुछ ना कुछ तो इंसान को लेके चलना पड़ता है ना, तो इसलिए ये है कि ये इनसे, ये तो गद्दार है ना मुल्क के। ये नवाज शरीफ उधर इंडिया में जाके खड़े कैसे 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 बयान दिए, उधर इंडिया वाले हमारी फौज को मार रहे हैं बॉर्डरों पे, इधर नवासी की शादी पे नवाज शरीफ ने अपना मोदी साहब को बुलाया हुआ, पूरे पाकिस्तान को किसी को खबर ही नहीं है, अचानक ही यकदम मोदी साहब आए और उसकी बरात अटेंड करके चले गए यहाँ से। ऊपर से ये कहते हैं हमारे जनाब इंडिया के साथ हम ये करेंगे वो, इनका अंदर से मनसूबा सब का एक ही है, ये पहले भी इंडिया की हैं महाजर हैं, ये कोई पाकिस्तानी थोड़े ही हैं, ये ईदें बकरीदें हर तरह की खुशी पाकिस्तान से बाहर करते हैं, और जब उनको पता है यहाँ पर हमारी पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया हम जीत गए, तो फिर इधर सारे जश्न हो जाते हैं, चले जाते हैं जी। जब जैसे इलेक्शन हार जाते हैं, खान साहब को सजेस्ट कर दें किसको टिकट? हम तो कहते हैं कि खान अब्दुल वहीद खान न्याजी साहब हैं, जो अभी हमारे हल्के से मुंतखब नहीं भी हुए, तो वो ना काफ़ी अरसे से हमारे इलाके में काम करवा रहे हैं। वो एक मजीद खान मेडिकल सेंटर भी बनाया उन्होंने, वो तकरीबन 5-6 साल से चल रहा है, जिसके अंदर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होता है, और 3 टाइम का वहाँ पर सबसे अच्छी बात है खाना भी मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह क्या बनता है सबसे मजे का, क्या खाना हर तरह का अच्छा बनता है कि वो सबसे मजे का क्या बनता है? मजे का क्या, हर खाना ही अच्छा बनता है, सारे मजे के बनते हैं, मैं अब क्या क्या बताऊं? एक बता देना भाई कोई एक अच्छा खाना, सबने रोजा इफ्तार किया है जरा खाना। हाँ, वहाँ पर अभी अफतारी का भी वहाँ पर सामान मिलता है, पर मुझे, मैं तो काफी दिनों से इधर, मुझे तो अभी पता नहीं है, 2 महीने से मैं इधर हूँ। खाना खाया? हाँ हाँ, मैंने खाया था, मैंने आलू गोश्त खाया था। आलू गोश्त पाकिस्तानी को बहुत पसंद है। हाँ जी, आपको एक पैगाम? हम तो कहते हैं खान साहब, ये जो खान अब्दुल वहीद खान साहब अभी हमारे हलके में मुंतखब नहीं भी हुए ना, तो उन्होंने हमारे हलके के लिए बहुत काम किए हैं, तो हम चाहते हैं कि खान अब्दुल वहीद खान न्याजी साहब को जो है ना उधर का टिकट दिया जाए। और आलू गोश्त खान साहब आपको भी बड़ा पसंद है, तो आलू गोश्त की वजह से ही जो है इनको टिकट दे दिया जाए। सलाम अलैकुम सर, क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम शाकिर हुसैन है, मैं बाबुलपुर अहमदपुर शरकिया शाहजहान खान अब्बासी हलके से। सर किसको टिकट दे? शाहजहान खान अब्बासी और गजैन अब्बासी को। एक बताना, गजैन अब्बासी। सर आपका? जी मैं भी अहमदपुर शरकिया से आया हूँ, मेरा मुतालबा है खान साहब से, रिक्वेस्ट है कि जो टिकट एमपीए का टिकट है वो शहजादा शाहजहान अब्बासी को दे। अच्छा काम कर, बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत ही प्यारे बंदे हैं, नवाब हैं हमारे, हमारे नवाब हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में उनके बुजुर्गों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। देखें हमारी रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के लिए बनाने में कुर्बानियां दी हैं। अच्छे इंसान है, उनको टिकट? बहुत अच्छे इंसान है वो, शहजादा शाहजहान अब्बासी और शहजादा गजैन अब्बासी दोनों भाई, पहले भी वो एमपीए रह चुके हैं, गजैन अब्बासी साहब एमपीए थे, और अब भी उनको ही टिकट दिया जाए क्योंकि काम अच्छा करते। सर आप कहां से हैं? मैं लाहौर से आया हूं। किसको टिकट दें आपके लिए? मेरे एरिया से मेयर शराफत को देंगे, पीपी 168 से। अल्हम्दुलिल्लाह सर आप? हम पीपी 158 से हैं, हमारे हल्के में हम चाहते हैं कि मुकामी कैंडिडेट को टिकट मिले, ताकि वो नुमाइंदा बाद में मुंतखब होने के बाद हमें नजर भी आए। वो कौन है सर? वो इस वक्त हमारे ख्याल में तो वहाँ पे मुकामी नुमाइंदा जो महज शराफत अली कसूरी साहब हैं, अल्लाह करे उनको टिकट मिले और वो आए जीते और हल्के की खिदमत भी करें हमें। सुबेरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और उनसे जानेंगे कि क्या प्लान हैं, टिकट भी जो है उम्मीदवार है या फिर आवाम के लिए कुछ करना है? नहीं, हमारे इरादे तो हैं वो बहुत मजबूत हैं, खान साहब जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं आज, एक हल्का नंबर 1 से लेकर हल्का नंबर 50 तक लोगों के इंटरव्यू हो गए हैं। हमारा जो हल्का है जो है वो है पीपी 253 है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 3-4 दिन में हमारी भी बारी आ जाएगी। मैं समझती हूँ कि ये जो इस दफ़ा जो नैरेटिव खान साहब का है, खुद इंटरव्यू लेने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, जो धरने देते हैं, जो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, ये इनको बेहाल में कंट्रोल करने का एक तरीका खान साहब ने ढूंढा है। मैं दुआ करती हूँ इसमें वो कामयाब हों, लेकिन हमारे कैंडिडेट बहुत तेज़ हैं।
प्लीज है मैडम, मुझे ये कहिएगा कि जब स्कूल्स में कॉलेजेस में वाइवा होता था तो हम फौरन से पूछते थे, जो वाइवा दे के आता था क्या क्या पूछा, तो खान साहब क्या क्या पूछ रहे थे? लेकिन अभी तक हमें तो कोई कैंडिडेट अभी मिला नहीं, ये कल हमें फीडबैक का पता चलेगा। आइडिया तो हो जाता है ना क्या क्या पूछा, आपके ख्याल में क्या क्या? वो ये सुनने में आया है कि तमाम एक हल्के के तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठे बुलाया है, तो उनसे कहा है कि ये मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको टिकट दे रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करें। फिर जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो इसके रिबटल में कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनके अंदर ये खामी है, तो एट द एंड फिर नोट डाउन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन डिसीजन एट द मोमेंट नहीं कर रहे। सारे कैंडिडेट्स को बिठा के इकट्ठे और कह रहे हैं एक दूसरे में कीड़े निकालो। यस यस, मुनाफ़त नहीं हो रही, मुंह के ऊपर हो रहा है, मुंह के ऊपर कीड़े निकालेंगे जी। मुझे ये बताएगा, व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन से सवाल जो है एक कैंडिडेट से पूछने चाहिए आवाम की फलाह के हवाले से, कि जब अगर वो कैंडिडेट जो है उनको टिकट मिलता है उसके बाद इलेक्ट होने के बाद वो गवर्नमेंट में जब आते हैं तो क्या करेंगे या करेंगे आवाम? देखिए, अगर सवाल पूछने की बात, तीन बेसिक क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू ले रही होती तो वो तीन सवाल क्या होते हैं? वो तीन सवाल देखिए, ये तो खान साहब ने ही डिसाइड करने के सवाल आपने अपने बताए। आप मुझे बता, मुझे कहें कि मैं खान साहब बन जाऊँ दो मिनट के लिए, तो मेरे सवाल क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके हलके के अंदर रिप्यूट क्या है, आपके अंदर कोई करप्शन के एलिगेशन तो नहीं है, और आपका जो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसके हलके में क्या वर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ख़वातीन के हवाले से भी, बच्चों के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी, वो उसका नैरेटिव थी वो हमारे सामने आना चाहिए। तीन बेसिक क्वेश्चन है जो मैं समझती हूँ कैंडिडेट्स से ज़रूर पूछने चाहिए, ख़ासतौर पर फीमेल को प्रमोट करने के लिए। ये एक हमारा खान साहब का ये है कि 5% जो कोटा दिया जा रहा है ख़वातीन को कंटेस्ट करने के लिए, उस पर भी कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि मनपसंद फेवरेटिज्म नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमी है, जिस वजह से साउथ पंजाब में, वैसे भी ओवरऑल पंजाब के अंदर खवातीन जो है कंटेस्ट करने के मामले में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक ज़ीरो है। मैडम, अगर हुकूमत में आप आती हैं सरायकिस्तान चाहेंगी कि बन जाए? हम तो चाहेंगे बहावलपुर, साउथ पंजाब। सरायकिस्तान देखिए, वो एक नारा तो है सरायकिस्तान, मैं खुद एक सरायकी हूँ, मेरा सरायकी बेल्ट से ताल्लुक़ है, लेकिन हम ऐसी बात करें जो ग्राउंड पे हो, जो हमारी पार्टी का जो एक स्टांस है वो साउथ पंजाब के हवाले से। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मुझसे पर्सनली तौर पे पूछते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहावलपुर में बहुत प्यारा लगता है, बहावलपुर को रीस्टेट होना चाहिए। बहावलपुर को अलहदा सूबा बनाएं, अब अलहदा बनाएं ज़िला, या फिर आप दारुल हुकूमत की बात करें, क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक ये पहले बातचीत चलती रही कि दारुल हुकूमत इसका कैपिटल जो है वो बहावलपुर को बनाया जाए, मुल्तान को बनाया जाए, ये काफ़ी लड़ाई जारी रही। लेकिन इसमें जो हमारे जो इतिहादी हैं काफ लीग के, उन्होंने मेजर रोल अप प्ले किया, वरना तो बहावलपुर को ये डिक्लेयर कर दिया था खान साहब ने ओपनली कि इसको हम कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। मैडम, ये कहिएगा कि वहाँ पर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी तो होती है, यहाँ पर वेजेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नस्बता कम है, वहाँ पर हर चीज़ में नाइंसाफ़ी हो रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ पर नहीं है, तो आपके ख्याल में दो काम अगर आप हुकूमत में आती हैं तो वहाँ के लोगों के लिए जो प्रेफरेंस होगी कि ये दो काम फौरी होने चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक वाहिद वो यूनिवर्सिटी है पूरे साउथ पंजाब के अंदर। मैं बताते चलूँ, वहाँ 3 सालों के अंदर 1000 हम लोगों ने जॉब्स दिए हैं पूरे बहावलपुर के अंदर। साउथ पंजाब के अंदर जॉब्स गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था। अगर मुझसे पूछे तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को शुरू करेंगे हम, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री हम कैसे लेंगे, वहाँ इकोनॉमिकल जोन हमारा बना हुआ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। मेरा जो बेसिक पर्पस है, हाँ मैं ये समझती हूँ कि अगर एक सवाल मुझसे बेसिक सवाल पूछते हैं तो इस सवाल के अंदर ये भी सवाल होगा, जो MP कंटेस्ट करेगा, विनिंग करेगा, तो उसके जिम्मे 2 से 3 इंडस्ट्री अपने हल्के में लगाना पाबंद होगा वो। अगर एक MP अपने हल्के में इंडस्ट्री लगवा सकते हैं तो वो कैपेबल है, वो दूसरों के हकूक का भी पासदार हो सकता है। जो दूसरे के हकूक का पासदार नहीं हो सकता, उनको जॉब्स नहीं दिलवा सकता, तो वो हम कैसे कह सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा है? इस तरह आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारे वो MPs हिस्ट्री में दफन हो चुके हैं। मैडम, सलमान साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए आज़ाद, और उसके बाद जो है PTI के साथ मिल गए, और उन्होंने कहा कि PTI ने बड़ा सुतेला मेरे साथ सलूक किया, मुझे फंड्स नहीं दिए, मैं सड़कें नहीं बना सका। और PDM की हुकूमत आते ही उन्होंने कहा बड़ा ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, सड़कें बन गई, रोड्स बन गए, जो हैं दूध की नहरें बहने लगी। कैसी परफॉर्मेंस रही आपके ख्याल में PDM के दौरे हुकूमत में और PTI के दौरे हुकूमत में सलमान साहब? देखिए, सलमान नईम साहब की मेरे में बात करें, मुल्तान से हमारे कैंडिडेट थे, मद्दे मुकाबिल थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के मद्दे मुकाबिल से वो जीते थे। देखिए, वो हमारा अगर PTI की प्लेटफॉर्म से जो था वो हमारा एक फ्रेश कैंडिडेट था, यंगस्टर आज जीते थे, यंगस्टर था,
तो उस परस्पेक्टिव में आज़ाद देते तो पीटीए में शामिल हो गए थे, वो तरीन साहब के ग्रुप के अंदर वो शामिल थे, लेकिन एज अ यंगस्टर्स वो उसकी खुद अपनी बहुत ज़्यादा वर्थ है। वो अपने हलके में पॉलिटिकल पार्टी ना होने के मतलब किसी में शमूलियत किए बगैर वो बहुत अच्छे वो काम करें। हमदर्दी के वोट लिए उन्होंने पीटीआई से कि इमरान खान साहब ने ज्यादती कर दी मेरे साथ मुझे जो है खान साहब ने टिकट नहीं दिया, शाह महमूद कुरैशी को दे दिया, और अब जो है जब उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया तो अवाम ने टिकट नहीं दिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं, शाह महमूद साहब को हरवाया भी गया, कुछ और भी एलिमेंट शामिल थे, आपको भी पता है बिहाइंड द सीन, लेकिन वो उस बदले इधर कौन है दोनों? देखिए हम तो ये कहेंगे कि शाह ने अवाम बन के बताना है, अगर आप कैंडिडेट ना होती सिर्फ अवाम होती तो आपके ख्याल में दोनों में कौन? देखिए हम तो सपोर्ट करेंगे शाह साहब को, ओपनली सपोर्ट बनने भी चाहेंगे, बस सपोर्ट नहीं बनना भी चाहिए उनको, ओपनली हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं समझती हूँ कि वो बेस्ट कैंडिडेट है एज़ कम्पेयर उसके। देखिए उन्होंने सौदेबाजी नहीं की, तरीन ग्रुप में चले गए, पीडीएम में चले गए, उनके वर्थ अब क्या है? जीरो। अब दोबारा वो कैंडिडेट खड़े हो जाएं तो आप देखें उनको तो वोट लोग पसंद नहीं करते। अगर आप समझती हैं कि वो पीडीएम में चले गए कंस्ट्रक्शन करो, वो अरबों में भी लगा दे बेशक मुल्तान शहर में, लेकिन वो फिर भी विन नहीं कर सकते। ये है दिलों का वोट, ज़मीर का वो, जो लोगों ने जो है वो इलेक्शन डे पे जो है वो डाल दें। आवाम को क्या कहना? आवाम को ये कहना चाहूँगी कि आपने उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जो आपके हलके में इंडस्ट्री लगाने का वादा करे। जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हमारे यहाँ मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकते। और वहाँ के एरिया से ख़वातीन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि ख़वातीन जो है ख़वातीन के लिए भी काम कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। तो नाज़रीन आपने जानी कि खान साहब जो है इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, और इंटरव्यूज़ लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि टिकट किसको देना है, और उसके बाद जो है ये तमाम तर मामला जो है ये आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? तहसीन नवाज़ करदेजी, बहावलपुर से। सर बहावलपुर में सबसे ज़्यादा काम किसने किया आज तक, नून लीग ने या पीटीआई ने, अगर कंस्ट्रक्शन की बात? ये मैं बोलो हर दौर में काम होता रहे, लेकिन जो इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर जब थे और उस्मान बुज़ार साहब जब उन्होंने थे तो अपना साउथ पंजाब के लिए स्पेशल एक ग्रांट उन्होंने दी थी जो पिछले तमाम अदवार से सबसे ज़्यादा थी। और मैं तहसील खैरपुर टावे वाले मैंने खुद 1.5 अरब रुपये के काम तो मुझे उन्होंने दिए उस्मान बुज़ार साहब ने, इमरान खान साहब सिर्फ तहसील। काम क्या क्या हुआ उन पैसों से, काम क्या क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुई, आवाम पे कितने लगे और कैसे लगे? इसमें मैडम ये तो एमरजेंसी ब्लॉक्स थी हमने बनवाई हॉस्पिटल में, THQ में सड़कें बनवाई, रोड का जो था, और डिफरेंट कॉलेजेस में जो उनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे उनको अपग्रेड हमने करवाया, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने लगवाए, जो आवाम से हम पूछ के, क्योंकि हमने खुद भी किया, मैं खुद जाके एक एक इलाके में आवाम की राय से उनके जो कसरत राय से जो होता था डिमांड होती थी वो हमने पूरी की। सर खान साहब जो हैं वो बड़े करप्शन के खिलाफ हैं, तो खान साहब नज़र कैसे रखते हैं फिर अपने तमाम तर जो फंड्स पार्टी इजरा करती है, कैसे पता चलता है कि कभी करप्शन नहीं हुई, उनके मेरिट्स क्या है? ये मैडम ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपे नहीं, मैं अगर कोई करप्शन करूंगा तो फौरन ही, आपकी बात नहीं करी वैसे, नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं खान साहब के इतने पैसे लगने थे, क्योंकि फर्दन जाके तो चेक नहीं किया जा सकता कितने पैसे लगे कितने मैार देख रहे हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं सारा कुछ है, अगर किसी के काम के मैार के मुताबिक नहीं हुआ तो उसकी कंप्लेंट होती है हर जगह होती है, मतलब आम की तो कोई सुनता ही नहीं है, हम नुमाइंदे किस लिए हम जाते हैं हर जगह जाते हैं। आपको लगता है जिस नुमाइंदे ने सही काम नहीं करवाया वो खान साहब को अपनी शिकायत लगाएगा? कोई और लगा देगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अगर काम सही नहीं करवाया तो मेरे मुखालफिन तो होंगे तो जाके वो नजर रखते हैं खान साहब, बिल्कुल जी नजर रखते हैं उनके, ये नहीं कि वो अगर बैठे हैं अंदर जाके तो उनको नहीं है, उनके आँख नाक कान हर जगह हर तहसील में कोई ना कोई मौजूद होता है जी। सर आपने एज अ अवाम एक बात का जवाब देना है, अभी आपका किसी सियासी शख्सियत से कोई ताल्लुक ना हो, आप अवाम हो तो आप किसको चाहेंगे खान साहब टिकट, जो काम करे अवाम, जो अवाम के लिए काम करे, वो बंदे का नाम बताएं या बंदी का नाम, आपके ख्याल में आप किसको सजेस्ट करते हैं? खान साहब आपके पास आया कहते कि आप बताएं आपके एरिया में कौन काम, वो नाम किसका होगा? मैं तो अपने लिए कहूँगा जी, क्योंकि मैं अवाम के लिए काम बिल्कुल करता हूँ, हमने काम किया है, आप नहीं, मेरे बुजुर्गों ने भी किया है, पिछले 100 साल की हमारी तारीख है, हमने जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। अगर आप इलेक्ट होके आते हैं दौरे हुकूमत आपका होता है तो दो काम जो आप आवाम के लिए तरजीही बुनियादों पर, बेरोजगारी बहुत है हमारी तहसील खैरपुर टावे वाली, नहायत ही पसमानदा तहसील है पंजाब की, बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि सही रोजगार
जो मिल जाए आवाम को। यंग लड़के पढ़ लिख के इतने बेरोजगार हैं, रक्षा टैक्सी चलाने को तैयार हैं, बाहर इन्फ्लेक्स काफ़ी है बाहर। कैसे देंगे रोज? कॉटेज इंडस्ट्री, हमारे इलाके में कॉटेज इंडस्ट्री का भी, बड़ी इंडस्ट्री अगर ना भी लगे तो कॉटेज इंडस्ट्री है जो लगा के हम उनको पूरा कर रहे हैं। दूसरा काम, दूसरा स्कूल्स का एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम हो सकता है और अपना हेल्थ के ऊपर। यूनिवर्सिटी एक और बनाएंगे? यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहाँ है, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वो अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इनफ है वहाँ की डिमांड? वहाँ के लिए काफ़ी है, अगर उसके सब कैंपस हासलपुर में भी बन जाए और अहमदपुर से क्या जैसे बनाए सारा कुछ सब कैंपस में, तो वो इनफ है काफ़ी। आवाम को क्या कहेंगे जी? आवाम से क्या कहेंगे बहावलपुर? मैं आवाम से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह 2018 में उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, इस दफा आप देख लें, आपने खुद देख लिया कि कौन किसकी क्या तरजीहत है। ये नून लीग वाले आए हैं, इन्होंने सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए और कुछ नहीं किया, महंगाई ख़त्म कर रहे थे लेकिन ये गुरबत के बजाय गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब को मौका मिलेगा और हम उम्मीद है कि आवाम की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। आपके इलाके में आटा कितने रुपये किलो है? 1100 किलो, एक किलो आटा इतने का थैला मिल जाएगा, 600 एक किलो बता रहे हैं, 700 के करीब है, 500-600 के करीब है किलो, एक किलो सर इतना है, ब्लैक 500-600 रुपए का किलो है, किलो के हिसाब तक भी क्या है ब्लैक। अभी इस वक्त जब हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपके इलाके में एक किलो आटा कितने का? कितना है? 150 तक तो था, मैं जो देता 150 तक है, 150-200 तक। महंगाई मार्च का नारा लगा के आवाम को हुकूमत ने जो है अपनी तरफ किया था और महंगाई इस कदर ज्यादा होगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहावलपुर से मलिक उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अगर टिकट मिला तो सर आप क्या करेंगे आवाम के लिए? जी देखें, मेरा नाम मलिक अहमद उस्मान चुनड है, मैं बहावलपुर के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और तालीमी लिहाज से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। मेरा ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की इंशाल्लाह जब भी गवर्नमेंट बनेगी, मेरी सोच ये कि हमें HR के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपने जितने भी नौजवान हैं उन्हें टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि हम अपने गल्फ में, यूरोप में जितने भी हमारे अनस्किल्ड लेबर है उनको उस लेवल पे हम स्किल करें जो हमारे बाहर के मुल्क में जाके वो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी देंगे और हमारी मुल्क की पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत बड़ा काम करें। बहुत से लोग जो इंजीनियर नहीं थे उनको डिप्लोमा करवा के सरकारी नौकरियाँ भी दी गई, तो सर करेंगे क्या इसके लिए? देनी तो चाहिए, आपने क्या करना है हुकूमत में आगे? जी इंशाल्लाह, सबसे पहले हम एक बहुत बड़ा प्लान देंगे HR के हवाले से। हम अपना तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल पे जितने भी हमारे अनस्किल्ड लोग हैं जो कि अंडर मैट्रिक हैं या 8th के हैं उनको इंशाल्लाह हम पूरे टेक्निकल एजुकेशन देंगे। इन में बना ले जी इंशाल्लाह, ये प्लान तो बड़ा वर्केबल है। विद इन 6 मंथ्स हम किसी फॉरेन कंपनी को जो टेक्निकल एजुकेशन देती है उन्हें यहाँ हायर करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं अगर हम उनको आफ्टर 2 o'clock यूज़ किया जाए, उनके ऊपर कोई सोलर पावर सिस्टम लगा के, तो हम 2 बजे के बाद उनको टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं। सर आपके ख्याल में कितने लोग वहाँ पर मौजूद है जिनको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है? जी बहावलपुर शहर की पॉपुलेशन जो है 4 million+ है, अराउंड 4 million से कम ज़्यादा होगी, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर नौजवानों की तादाद 2 million के अराउंड ज़रूर होगी। 2 million लोगों को ज़रूरत होगी फिर टेक्निकल? बिल्कुल ज़रूरत है जी, ये तो और पहले ओवरऑल वर्ल्ड में ज़रूरत है। मुझे ये कहिएगा कि अगर आप इलेक्ट होते हैं तो पहले 2 काम तरजीही बुनियादों पे, एक तो ये हो गया कि आपने उनको टेक्निकल एजुकेशन देनी है, दूसरा काम? जी दूसरा काम सबसे पहले तो ये है कि जो मेरा हलका है तहसील सदर बहावलपुर, ये बहावलपुर पूरे पंजाब की वाहिद तहसील डिप्राइव तहसील है कि मेरी तहसील सदर में ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है ना वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, यानी कि जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर हैं और जो हमारा DSP का ऑफिस है वो शहर के अंदर है। सबसे पहले हमारे लोगों की जो नीड है वो एक हॉस्पिटल की है और पब्लिक ऑफिसेज की, इंशाल्लाह सबसे पहले वो कराएंगे। सर तो आपके एरिया के जो AC और DC हैं वो बात सुनते हैं आवाम की, क्योंकि AC DC जो है वो आवाम को इतनी खास नहीं डालते? जी वो आपकी बात ठीक है लेकिन ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं अल्लाह ने उनको मनसब, अल्लाह से डरते हैं इन ओहदों पे बैठे होते हैं जी, कुछ लोग बिल्कुल होते हैं। कितने परसेंट? अब आजकल तो अल्लाह से कोई नहीं डरता, वैसे तो लोग लोगों से ही डरते हैं, ताकतवर लोगों से डरते हैं, लेकिन अच्छे लोग आ जाते हैं तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ज़रूर पड़ता है। सर ये कहिएगा कि आपका जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हुआ था सैलाब से कोई एरिया? नहीं जी मेरा एरिया नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था जी अल्लाह। सर वहाँ पर जो है क्या सूरत हाल है आवाम की, कितनी महंगाई है? नहीं देखिए जी मेरा एरिया वैसे इस तरह से देखें तो पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बड़ा लो है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पंजाब,
अर्बन पंजाब में वहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री है और तरीके हैं, तो लोगों के पास एक अच्छा जो रोज़गार होता है। हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा, हम सस्टेन एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, और जब से नई गवर्नमेंट आई है हमारे फसलों के रेट कम हो गए हैं। वहाँ पे एक मोनोपोली है, शुगर मिल जितनी ज़्यादा नहीं है, सिंगल शुगर मिल होने की वजह से वहाँ पे पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलती, वहाँ पे उनका वेट ठीक नहीं मिलता, उस वजह से हमारे पास इकोनॉमिक क्रंच बहुत ज़्यादा है हमारे हल्के में। अगर एक रुपया आप स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे तो चार रुपए आपको मुनाफा होता है, अगर आपने सही तरीके से जो काश्त की हो, तो आपके ख्याल में वो क्या एक चीज़ है जिससे आपके इलाके की एरिया की जो एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जो आपने काम करना है वहाँ की आवाम जी? मेरे मैं ये सोचता हूँ कि ऑरेंज ट्रेन और जितने भी हमने प्रोजेक्ट सिविल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सबसे पहले तो वो ये है कि हमने उसको एक लोनिंग के तहत बनाया है। कोई IMF का लोन था, किसी के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन था, किसी के अंदर वर्ल्ड बैंक का लोन था। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर को आपने सस्टेन करना है, प्रॉफिटेबल करना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं, हम उनको सोलर पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। सोलर पे शिफ्ट करने से दो फायदे होंगे, एक तो हमारे पास बिजली बचेगी, हमारे मुल्क के अंदर बिजली सरप्लस होगी, दूसरा हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारी इनपुट कॉस्ट है जिसके अंदर मेजर वैल्यू जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी कॉस्ट एफिशिएंट एग्रीकल्चर होगी। सर, एक ट्यूबवेल को सोलर पे शिफ्ट करने के लिए कितने पैसे दरकार? एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके वाटर टेबल लेवल पे। अराउंड अगर आप शुरू कर लें, जो वाटर टेबल जहाँ पे ऊंचा है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बात कर रहा हूँ, अगर वो ऊंचा है तो 8 लाख से लेके 20 लाख के दरमियान सोलर ट्यूबवेल के ट्रैक्टर तो कितने हुकूमत कितने सब्सिडी देगी? देखिए, हम तो अरबों खरबों की सब्सिडी PIA को दे रहे हैं, हम स्टील मिल को दे रहे हैं, हमने सब्सिडी पे और इन ट्रेन चला दी, हमने मेट्रो चला दी, उससे तो हमें कुछ नहीं मिला। ये तो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, बेसिकली बेसिक प्रोडक्शन यूनिट ऑफ पाकिस्तान है एग्रीकल्चर। ये कहिएगा, पहले जो है रोड के ऊपर जो लगे होते थे कि अमेरिकन सूंडी का हमला होने वाला है, आगाही बड़ी जो है फराहम की जाती थी काश्तकारों को, आजकल भी वो सिस्टम है वहाँ पे कि अल्लाह तो वक्त नहीं जी? पहले इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब बहुत विजिलेंट थे, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को उन्होंने तवज्जो दी, उसके ऊपर हमारे जो ऑफिशियल्स थे वो भी विजिट करते थे। विजिट तो करते हैं ना, वो तो उनके वो लगे होते हैं, TADAs वगैरह लगे होते हैं, जो लिखा हुआ होता था कि इतना, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते उनके लिए साइड पे वाइट कलर का एक होता था, उसके ऊपर लिखा होता था कि अमेरिकन सूंडी का हमला होने वाला है फलां जड़ी बूटी से बचने के लिए, आजकल भी वो है सिस्टम जी? वो एक्चुअली होती थी जिम्मेदारों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए होती थी, पब्लिक कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन होती थी, आजकल बिल्कुल भी वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आवाम जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है या फिर जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता जी, बिल्कुल उनके लिए। टमाटर कितने रुपए किलो है आपके? जी टमाटर का तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे पास तो आटा ही पूरा नहीं है, तो हम टमाटर क्या? आपने बताना है एक किलो टमाटर कितने के आते हैं, अभी जब हम खड़े होकर बात कर रहे हैं एक किलो टमाटर कितने के? ये तकरीबन 60 से 70 के दरमियान है जी। 70 पर के जी। और खजूरें कितने रुपए किलो? खजूरें जी डिपेंड करता है, 200 से जो आम आवाम वाली 150 तक है जी। आवाम से क्या कहेंगे आम को, क्या मैसेज? जी मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि हमेशा मुल्कों में एक दफ़ा एक मौका आता है, टर्निंग पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट है। अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान की सूरत में एक लीडर दिया है, आप सब निकलें बाहर, एक दफ़ा दोबारा कामयाब करें, इंशाल्लाह हमारा मुल्क फिर तरक्की करेगा। इंशाल्लाह जी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन, आपने जानी अवामी नुमाइंदों की और अवाम की राय कि वो किसको चाहते हैं कि वो बने MP उनके इलाके से, और किसको चाहते हैं कौन क्या काम करे, और किसको पता है कि टमाटर कितने रुपये किलो हैं, खजूरें कितने रुपये किलो हैं, और आटा कितने रुपये किलो हैं। क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि आटा कितने रुपये किलो मिल रहा है या फिर खजूरें कितने रुपये किलो मिल रही हैं, तो वो फिर अवाम का महंगाई से किस तरीके से जान छुड़ाएगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। खान साहब लेंगे इंटरव्यू, सारे कैंडिडेट्स को बिठाएंगे साथ, फिर कहेंगे एक दूसरे में कीड़े निकालो, और जो सबसे कम कीड़े जिसमें से निकलेंगे वो जो है उसको टिकट दे दिया जाएगा। आप हमें बताएं कि आप किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपके एरिया में वो शख्स जो कि वाकई आवाम के लिए काम करेगा, जिससे आपको उम्मीदें हैं, वो कौन है? खान साहब को नॉमिनेट करें ताकि आपके एरिया में उस शख्स को एटलीस्ट जो है टिकट मिले जो आपके लिए काम करने के बारे में सोचे। रिवायती चीज़ों को छोड़ दें, जो आवाम के लिए सोचेगा, जो आवाम के लिए काम करेगा, सिर्फ उसी का नाम जो है मेंशन करें, और बाद में वोट भी सिर्फ उसी को दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।